अर्जुन आप भी इस कार्तिक मास के संडे में यहाँ पर शामिल हो गए। दिस इज गुड फॉर्चून। एक बुक है व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस। सो इस संसार में जो लोग हैं वो बोलते हैं कि चार पुरुषार्थ होते हैं जो एक आदर्श मनुष्य को जीवन जीने के लिए करना चाहिए। तो उनकी दृष्टि में होता क्या है, धर्म, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो धर्म थोड़ा सा पुण्य कमाएंगे, धर्म करेंगे तो इससे जो है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अर्थ मिलेगा। धर्म से अर्थ, बोलते अर्थ से धन आएगा। पुण्य कमाएंगे तो अर्थ, पुण्य नहीं होगा तो आपके पास ये सब चीजें नहीं होंगी, तो अर्थ आएगा। अर्थ से क्या होगा, हाँ देखिए एक्सपर्ट है, कामनाओं का पूर्ति करेंगे। हाँ तो अर्थ से काम, अपनी इच्छाएं की पूर्ति करेंगे। लेकिन जब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ तो ठहरिए, क्या करेंगे, क्या बोल रहे, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, मतलब क्या होगा, उससे फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। आप एक इच्छा पूरी करने के चक्कर में हजार इच्छाएं और आ गई, फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ेगा? आपको लग रहा था कि ये इच्छा बस पूरी हो जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन वो तो और बढ़ गया। अभी प्लानिंग तो हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन आता है और जिसकी वजह से जो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने इस प्रयास में, तो वो मोक्ष की कामना करने लग जाते हैं। मतलब वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस लाइफ, ये संसार में रहना ही दुख का कारण है, तो वो लोग मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको इसी इन्हीं चार के फेरे में लोग मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके सामने, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब से ऊपर है। क्योंकि मोक्ष भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया ना। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो मेरा कष्ट दूर हो जाए, मेरा कष्ट दूर हो जाए, इसी बस प्रयास में आप सब लगे हुए हैं। तो मेरा इसमें भी सेंटर कौन है, मैं सेंटर हूं, मेरा कष्ट दूर हो जाए, ये जन्म और मृत्यु के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊं, बस यही हमारा चिंतन है। तो यही एक्चुअली ज्ञानी लोगों का प्रयास रहता है। कर्मी लोग जो होता है वो इसी संसार में रह के भोग करना चाहता है, इसी संसार में वो धर्म का पालन करके भोग की कामना रखता है। तो जो ज्ञानी होता है उसको पता चल जाता है अरे संसार में तो दुखी दुख है, तो वो इस संसार से भाग के आनंद खोजने की कोशिश, वो सोचता है मुक्त हो जाऊं किसी तरह से, संसार में रहना ही दुख का कारण है, तो संसार से चला जाऊं तो मेरा दुख निवारण हो जाएगा। तो ये ज्ञानी का प्रयास है। लेकिन जो भक्ति का प्रयास है, भक्ति जो है इससे बहुत दूर का बिजनेस है, बहुत दूर लेके जाना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा पंचम पुरुषार्थ है और दैट इज प्रेम, भगवत प्रेम। ये प्रेम हमारा पंचम पुरुषार्थ है, जिसको बोलते हैं भक्ति का लक्ष्य। जो आप भक्ति में भक्ति का करने का अर्थ क्या है कि भगवान के प्रति चरणों पर आपको प्रेम अर्जन करना है। और प्रेम का मतलब क्या होता है कि आप अब अपने बारे में सोचोगे नहीं। प्रेम में अगर कोई अपने बारे में सोचे तो प्रेम कहां से हुआ? इस संसार में हर कोई वादे कर रहा है या
हर इंसान वो दावे कर रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो जो दावा है उसका मूल आधार क्या है? मैं तुम मेरे को प्रेम करते हो इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, ये है दावे का आधार। अगर एक साइड से अगर बंद हो गया तो दूसरे साइड से प्रेम रहेगा? तो फिर वो प्रेम बोलो, वो प्रेम है क्या वास्तव में? वो तो काम हो गया ना। इसी संसार में वही जो प्रेम हमारा भगवान के प्रति है वो इस संसार में परवर्टेड होके वो काम के रूप में प्रदर्शित होता है और उसको हम बोल देते हैं प्रेम। प्रेम इस संसार की धरोहर है ही नहीं, इसीलिए इस संसार में हर कोई इसी की बातें कर रहा है। हाँ, लोग बहुत दावे करता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर जाऊंगा वो कर जाऊंगा, फिर तू बोलता है तुम्हें मार दूंगा, तुमको मार के खत्म। फिर वही प्रेम पता नहीं अचानक कहाँ से रौद्र रूप ले लेता है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि प्रेम जो है उसका आधार वो, उसमें प्रेम में दो चीजें हो सकती हैं, तो मैं और यह भगवान। प्रेम भगवान और आत्मा के बीच में ही होता है और इसमें कोई नहीं होता है। हाँ, जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो आप इस संसार से प्रेम अनायास ही कर बैठोगे, क्योंकि भगवान का ये प्रेम संसार है ना। जब आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हो तो उसकी चीजों से नफरत कैसे कर सकते हो? तो ऐसे भगवान से जो प्रेम करता है वास्तव में वही सारे संसार से प्रेम कर सकता है, बाकी सिर्फ धोखा कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसीलिए प्रभुपाद बोला करते थे, शास्त्र में भी आता है, इधर जितने भी इजम्स हैं, हाँ जैसे हम बात करते हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जितना भी इजम्स हैं, नेशनलिज्म, ये सब एक्चुअली खोखला है ना। क्योंकि इसका आधार क्या है? आई इज द सेंटर, मैं अपने बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। मैं इंडिविजुअल लेवल में अपना सोच रहा हूँ, मैं सोशल लेवल पर अपना सोच रहा हूँ, देश के बारे में अपना, मेरे देश का क्या होने वाला, मेरे देशवासियों का क्या होगा, सेंटर कौन है? हमेशा मैं। जैसे स्पिरिचुअल लाइफ मतलब आप सब के बारे में सोचते हो, थिंक एज अ होल। हाँ, तो इसीलिए भगवान ये जो लीला है जो कार्तिक में, कार्तिक मास का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी, तो ये लीला हुई है कार्तिक मास में। भगवान स्वयं, भगवान और उनके भक्त के आपस की प्रेम की जो है विनिमय की लीला है, एक्सचेंज ऑफ लव। और भगवान जो है वो इस संसार में आते हैं तो हम सबको यही सिखाने आते हैं, कैसे हम उनकी जो दिव्य सेवा है, दिव्य भक्तिमय सेवा है, उसमें हम अपने आप को जोड़ लें। यही पर्पज है भगवान को संसार में आने का। हम सबको भगवान सिखाने आते हैं। हाँ, भगवान आते हैं और उनके जो है शुद्ध भक्तगण उनके साथ आते हैं, और हम सबको वो सिखाने आते हैं कि तुम लोग जिस तरह की सेवा में लगे हुए उसको छोड़ो और ये मेरी सेवा में, दिव्य इस प्रेम में, इस सेवा में जुड़ जाओ। क्योंकि जब तक आत्मा इस दिव्य सेवा में नहीं लगेगी उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों को आनंद में डुबोने के लिए और हम सबको वो कला सिखाने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान अपने साथ अपने नित्य भक्तों को, नित्य जो मुक्त भक्त हैं, संगी हैं, उनको लेकर आते हैं हमें सिखाने के लिए। तो ये भगवान, तो इसलिए जब भगवान आते हैं तो उनके साथ उनकी जो माता हैं यशोदा, वो इस संसार में प्रकट होती हैं, उनके पिता नंद बाबा प्रकट होते हैं, उनके भाई कौन आते हैं? बलराम जी प्रकट होते हैं। अभी उन्हें बलरामपुरी में मनाया था नंद जन्माष्टमी से पहले। तो राधा रानी जो है प्रकट होती है संसार में। तो ये सब जो आते हैं उस संसार से, वो जो है वो इस जगत से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हम सबको सिर्फ सिखाने आ रहे हैं। हमको ये नहीं कि हम कभी कभी सोचने लग जाते हैं भगवान का जो है यहाँ आते हैं उनका कुछ इस संसार से कुछ लेना देना है,
भगवान अपने सिर्फ हम सब के लिए आते हैं इस संसार रूपी जेल में, हम सबको इस संसार के दुख से निकालने के लिए। तो ये जो कार्तिक मास है इसका कुछ विशेष महत्व है। वैसे अगर देखा जाए तो जो भारतवर्ष है, अगर देखा जाए तो भारतवर्ष वो चैतन्य महापुरुष की बड़ा गुणगान करते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म धार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु भारतवर्ष का बड़ा गुणगान करते हैं। क्यों? कहते भारत भूमि में जन्म लेना मतलब कि बहुत भाग्यशाली लोगों को मिला है, मिलता है, सबका जन्म नहीं होता है। दैट मीन्स आप सब वो भाग्यशाली हैं। कौन कौन अपने आप को भाग्यशाली मानता है? ये अपने पे आया है ना, अपने पे आया है तो सब अपना कहते अपने मुंह मियां मिट्ठू का। तो बोले दूसरों को भाग्यशाली कौन मानता है? कोई नहीं बोले। तो सच्चाई है क्योंकि आप सब भारतवर्ष में हैं, भारत भूमि में हैं। लेकिन कितने लोगों को लगता है कि आपका जन्म आप सार्थक करने कर रहे हो? कितने लोग अपना जन्म सार्थक कर रहे हैं? अरे भाग्यशाली होकर जन्म सार्थक नहीं कर रहे हैं। तो यही हमें करना है। मनुष्य जन्म मिला है वो भी भारतवर्ष में, इसको गवाइए मत। इसको ऐसा मत गवाइए जैसे, क्योंकि ये फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्योंकि जो कहते हैं धर्म, जो धर्मेन हीना पशुभि समाना, तो अगर हम सब भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पशुवत हमारा जीवन है। सी आपको मौका मिलता है और अगर आप उस पे मौके का फायदा नहीं उठाते फिर आपको नहीं मिलेगा मौका। आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, भारत भूमि में जन्म लिया। अब आप ये नहीं बोल सकते मुझे किसी दूसरे देश में जाना होगा, मैं तो पालन, ऐसा नहीं है। भारत भूमि में आपने जन्म ले लिया है, दैट मीन्स आपके साथ अब जिम्मेदारी जुड़ चुकी है। अब आपको जिम्मेदार होना ही पड़ेगा, नहीं होंगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये हम सब का, हम सब एक्चुअली वी आर मेंट फॉर डूइंग परोपकार, परोपकार करने के लिए हम सब हैं। मतलब हमारे पास जो खजाना है वो पूरी दुनिया को शेयर करने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने स्वयं के उदाहरण से दिखाया है। तो हम लोग जो इंडिया है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे मतलब हर मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल है, कोई ना कोई फेस्टिवल है। फेस्टिवल बोलने से समझ में नहीं आता है, क्या बोलना चाहिए? उत्सव। हाँ, उत्सव है। हाँ, तो हम सबको उत्साह, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हम लोग उत्साह दिलाने के लिए हमारे लिए फेस्टिवल्स इतने सारे हैं। तो ये कार्तिक, मुझे तो कार्तिक के बारे में बहुत हार्डली कुछ लोगों को पता होता है। हाँ, कार्तिक की महिमा। तो ये विशेष क्या उसके महत्व है वो थोड़ा सा देखेंगे हम। तो फेस्टिवल्स बहुत है कार्तिक में। अगर आप बात करें तो जैसे आप सब, भगवान की गिरिराज गोवर्धन लीला भी कार्तिक में हुई, कार्तिक में हुआ। उससे पहले एक दिन पहले क्या था? दीपावली। तो दीपावली भी कार्तिक में आया, ठीक है। तो भगवान का जो गोपाष्टमी आता है, गोपाष्टमी के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि गोपाष्टमी, भगवान उस दिन गाय को जो है गाय को चराना शुरू कर दिए। भगवान जो है नॉर्मली वो क्या थे, पहले बछड़े को चराया करते थे, छोटे थे, अभी बड़े हो गए हैं। तो गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और भगवान अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए गिरिराज को धारण कर लिए। फिर उनका नाम
गिरधारी हो गया, गोवर्धनधारी गिरधारी, राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। तो ये सब आप देख रहे हैं, भगवान राम आए। अब ऑल जो है सबसे जो सुंदर जो हम आज आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, ये सब तो आगे आएगा, लेकिन वो लीला जिसके माध्यम से पूरा महीना जो है दामोदर मास के रूप में भी जाना जाता है, वो लीला दीपावली के दिन हुई थी। भगवान माता यशोदा कैसे उनको बंधन बांध दी, ये सुंदर लीला हुई है। तो इसके संदर्भ में एक श्लोक है भगवद गीता में, आप मेरे साथ बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहितम् अस्नामि प्रेतात्मनः। तो भगवान नौवे अध्याय के 26वें श्लोक में बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई अगर भक्ति से मुझे पत्र पुष्प और फल या जल अर्पण करेगा तो भगवान बोलते हैं मैं उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो इसमें सबसे मुख्य अंग है कि भगवान हमारी भक्ति को प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है भगवान को। आप ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा खिला दूंगा आपका, भगवान कुछ खाने के लिए नहीं तैयार है। तो ये जो लीला होने वाली है ये एक्चुअली बताते हैं, मैंने जैसे बताया दीपावली का दिन था और ग्लोरीज में बाद में बताऊंगा, पहले इस लीला को बता देते हैं। तो कार्तिक मास में महात्म्य बहुत हैं, और सबसे पहला महात्म्य जो मैं अभी हम आपको बता दें कि जो ये लीला हुई उसके बारे में श्रवण करना अपने आप में बहुत शुद्धिकरण है। जब आप दामोदर लीला का श्रवण करते हैं इसका बहुत महत्व है, क्योंकि अभी हम लोग सब इसी दामोदर लीला का स्मरण करते हुए भजन गाएंगे दामोदर अष्टकम और दीपदान करेंगे, तो इसका बहुत महत्व है। तो जब आप ये दीपदान करेंगे, आपके सामने यशोदा दामोदर होंगे, आप तो क्या भावना क्या मूड से करेंगे, वो मूड इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो, मन आपका घर पे हो, जैसे मूड को लाने के लिए आपको लीला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या मूड है। कैसे वो भगवान जो बंध नहीं सकते हैं उनको कौन बांध सकता है, कैसे वो भगवान जो कभी रो नहीं सकते हैं, भगवान कैसे रो सकते हैं भाई, उनको किस चीज की कमी है। वो भगवान जो कभी भूखे नहीं हो सकते हैं, भगवान को क्या, उन्हीं का सब कुछ है। और जैसे छोटा बच्चा वो कभी कभी भूखा हो जाता है तो चिल्लाने लग जाता है, तो भगवान कैसे चिल्ला रहे हैं मुझे कुछ खाना दो, मुझे भूख लगी है, कुछ मुझे दूध दो, भगवान मांग रहे हैं, ऐसा क्यों भी। हाँ तो भगवान वास्तव में क्या भूखे हैं, भगवान भूखे नहीं है। भगवान भूखे हो जाएंगे वो भक्तों के प्रेम के लिए, इसलिए भूखे लगते हैं। भगवान क्रोध दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं ताकि अपने भक्त का प्रेम पाने के लिए, भक्त का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ। और हम क्रोध, हमारा क्रोध कुछ और रहता है, हमारा स्वार्थ। तो भगवान जो हैं वो बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। तो हम सबका जो हृदय काम आता, हम सबके अंदर काम है जिसकी वजह से क्रोध आता है, भगवान के अंदर शुद्ध प्रेम है अपने भक्तों के लिए, उससे क्रोध आ रहा है। तो वो क्रोध भक्तों के हित के लिए है, ना कि अहित के लिए। हमारा क्रोध तो हमारे हित के लिए नहीं होता है, दूसरों के हित का क्या मतलब है, हमारा ही नाश कर देगा वो, दूसरा जो है उसका तो होगा ही होगा, हमारा भी नाश हो जाएगा। ये सब अंतर हमें समझना चाहिए। तो भगवान के शरीर में जो दिव्य जो आपको सिम्टम दिखते हैं वो दिव्य है, उनको कभी हमें अपने तराजू में नहीं तोलना है। तो भगवान तो ये जो है
तो बताते हैं भागवतम में आता भी है कि एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, तो एकदा वंस, तो ऐसा नहीं होता है कि जो है हर दिन ये लीला होती, मतलब हर दिन ये होता था, एक बार। तो यशोदा माँ वो अपने पुत्र के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं खुद स्वयं अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए माखन बनाऊंगी। तो नॉर्मली क्या होता था, बहुत लोग थे जो सेवा में थे, जो यशोदा माँ को असिस्ट करते थे, यशोदा माँ सुपरवाइज करती थी, बाकी लोग करते थे। ऐसा है नहीं कि कोई भी कृष्ण यशोदा माँ के अलावा कोई कृष्ण को फीड कर सकता है, सी हैज टू बी देयर। जैसे राधा रानी है, साथ में यशोदा माँ रहती है हमेशा, और इस तरह से सब, तो आप देखेंगे तो यशोदा माँ के सुपरविजन में होता था। आज उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं स्वयं आज बनाऊंगी माखन, और उन्होंने पहले से ही उच्च उत्तम क्वालिटी का, पहले तो आपको दूध उत्तम चाहिए तो क्या उत्तम होना चाहिए, गाय भी उत्तम होना चाहिए, इन्हें कि जर्सी गाय का दूध, हाँ तो बिल्कुल, क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A2 मिल्क देसी गाय का, तो नकली दूध नहीं, इन्हें कि पाउडर वाला या केमिकल वाला कुछ ऐसा नहीं। तो यशोदा माँ, उनके नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय में से जो बेस्ट गाय थी उनका, उनको सेलेक्ट किया और उनको बेस्ट, अब दूध अच्छा गाय देगी उसके लिए घास भी दूध अच्छा होना चाहिए ना, हाँ तो बेस्ट उसके लिए मीठी घास जो है बिल्कुल उत्तम क्वालिटी की घास खिलाया गया उनको, हाँ तो उनसे जो दूध निकला वो भी बिल्कुल अमृत जैसा निकला, और उनका दूध से प्रोडक्ट बनने वाला है किसके लिए, तो पहले उसको उसको जो है नारायण को ऑफर किया जाएगा, फिर कृष्णा को मिलेगा। तो यशोदा माँ कृष्णा को भगवान नहीं मानती है, ठीक है, उनके लिए कृष्णा उनका उनका बेटा है। हा? तब आप बोलोगे नहीं नहीं, अब हम भी शुरू करते हैं ऐसे ही, तो हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है ये। अभी तो हम कृष्ण को जानते ही नहीं है, कृष्ण को क्या जानते हैं कृष्ण के बारे में। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्रज में जो भक्त हैं, ब्रजवासी गण, वो कुछ नहीं जानते हैं। अरे कुछ नहीं जानते होते कृष्ण के बारे में तो कृष्ण के घर में कैसे जन्म ले लिया उन्होंने, कृष्ण के साथ रहने का उनको अधिकार कैसे मिल गया। तो यही सोचकर उद्धव जी वृंदावन गए थे, बृहस्पति के शिष्य हुआ करते थे, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। हाँ कृष्ण ने बोला मेरा पत्र लेकर चले जाना उद्धव, और उनको थोड़ा समझा देना। उद्धव को बड़ा घमंड था कि अरे जाऊंगा ब्रज में और बड़ा सुंदर अपना ज्ञान का कुछ दूंगा, तर्क दूंगा, तो ये सब गोपियों को, ब्रजवासियों को, यशोदा माँ को, सबको मैं संतुष्ट कर दूंगा अपने, और वो सब उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन जब वो गया उधर तो दुख दूर तो करने को छोड़ो, दुख और बढ़ा दिया। बोले ये क्या, ये मेरा ज्ञान मार्ग जो मैं ज्ञान देने आया हूं इससे तो दुख बढ़ता जा रहा है। हाँ तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए। उनको समझ में आ गया उद्धव को कि ये तो मुझसे, इनका ध्यान तो कभी कृष्ण से हट ही नहीं रहा है। तो उन्होंने प्रण ले लिया, उन्होंने किया जो उन्होंने एक्चुअली प्रार्थना किया कि मैं ब्रज में ही मेरा जन्म हो, और जन्म ऐसा हो कि मैं ब्रज में जो है लताएं और घास ये सब बनकर आऊं, ताकि मेरे इन ब्रजवासियों के चरण रज मेरे सिर पे पड़े। ये प्रार्थना करके कौन आ गया, उद्धव जी। आज भी आप अगर जाएंगे वृंदावन तो वृंदावन में जो है उद्धव कुंड है, कुसुम सरोवर दोनों आजू बाजू है, आमने सामने। एक तरफ से परिक्रमा में जाएंगे तो कुसुम सरोवर दिखेगा, दूसरी तरफ से जब खत्म होने वाला होगा तो उद्धव कुंड देखेंगे। तो इस तरह से ये उद्धव जी आज भी वहां पर विराजमान है,
और वो ब्रजवासियों का कृपा लेने के लिए। तो इस तरह से जो भगवान के जो ये भक्त हैं, ये इनके ये भूल गए हैं। भूल गए मतलब योग माया के प्रभाव में ये भूल जाते हैं कि भगवान ये भगवान है। उनको ये याद रहता है कि मेरा भगवान से रिश्ता है, तो रिश्ते की प्रधानता रहती है ना। हाँ, ऐश्वर्य भावना दब जाती है। लेकिन यही अगर आप बात करोगे भगवान के और भक्तों का, तो उनके उनमें जो है माधुर्य, जो प्रेम, जो भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो इतना ज्यादा वो दास्य भाव, ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। जैसे जो ब्रज में, अगर मान लीजिए सबको पता होता कि कृष्णा भगवान है, तो उनके कैसे सिर पे कोई उनके मित्र चढ़ जाते। जब अर्जुन को पता चला कि कृष्णा ने अपना विश्वरूप दिखाया, आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो 11वें अध्याय में आता है, जब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखा दिया अर्जुन को, तो अर्जुन वो डर गए और बोलने लग गए, कृष्णा मुझसे तो गलती हो गया, मैंने आपको अपना मित्र समझ के न जाने क्या क्या कर दिया। हाँ, आपको उचित सम्मान नहीं दिया था मैंने। तो ये भावना अर्जुन व्यक्त करने लग गए, मतलब उनका जो मित्र का भाव था वो कम होने लग गया था। लेकिन यही अगर कोई आके नंद बाबा के पास बोलेगा, कभी कभी कृष्ण बोलने लग जाते हैं मैं भगवान हूं, खुद को ही बोलने लग जाते हैं, अच्छा तू भगवान है, अच्छा ये भगवान है। हाँ, फिर जो है भूख लगता है तो पीट पीट के छाती रोता है, तो भगवान है, ऐसे भगवान से हमारा पाला न पड़े, तो भगवान है, तो बोलता है ये भगवान। तो उनको उनको पत, वो बोलते हैं भगवान कैसे हो सकता है, दे नेवर एक्सेप्ट। और बोलते हैं मेरा जिम्मेदारी है इसको सिखाने के लिए, ये भगवान है चाहे जो, मैं पिता हूं इसका, मेरी जिम्मेदारी है कि इसको शरारतों को सुधारने के लिए, इसको संस्कार देना हमारा जिम्मेदारी है। तो इस तरह से यशोदा और नंद सोचते हैं। तो ये भगवान चाहते हैं कि कृष्ण के पास सब लोग जाते हैं कि मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो। जैसे कोई ऑफिस में आप रहते हो, आपकी ऑफिशियल कोई ड्यूटी है, तो तुम्हारा चला गया नेट, ऑफिशियल अगर ड्यूटी है कि आपको कुछ, जैसे मान लीजिए सरकार ने, आप सरकार के आप मतलब कोई एजेंट हैं, आपके पास कोई आके कुछ ना कुछ मांगता रहता है, अप्लाई करते रहते हैं, तो हर कोई आ रहा है मांगने के लिए। आपका भी मन करेगा भाई ये सब मांगने वाले क्यों आ रहे हैं, कोई देने वाला क्यों नहीं आ रहा है। तब देखो कोई आ रहा है झोली फैला के, दे दो कुछ दे दो। तो वैसे ही भगवान जो है जब वैकुंठ में होते हैं, हाँ वैकुंठ पति बनकर रहते हैं, नारायण बनकर रहते हैं, तो भगवान से हर कोई आके मांगता रहता है, दे दो मुझे कुछ दे दो। लेकिन वही भगवान जब वृंदावन में हाँ गोपाल के रूप में आते हैं, नंद नंदन के रूप में प्रकट होते हैं, तो फिर वो मांगने का बिजनेस बंद हो जाता है, भगवान लेने वाले हो जाते हैं। ये वृंदावन का मूड है। भगवान को वहां पर कोई, भगवान अपनी जो है अंतरंगा शक्ति से अपने उन कुछ उन चुनिंदा भक्तों को, भगवान सबको अधिकार नहीं देते हैं। ऑफिस में रहने का सबको अधिकार है, ऑफिस में आपका एक आइए आप लेके आते रहिए, लेके जाते रहिए, आपकी कंडीशन है पूरा किया लेके जाइए, लेकिन घर पे रहने का अधिकार सबका नहीं है, वो सिर्फ अंतरंग भक्तों को है। तो यही है जो लीला का मैं आपको जो फाउंडेशन बता रहा हूं। तो भगवान की जो गोलोक वृंदावन, जो वृंदावन की लीलाएं हैं, वो उन भक्तों की लीलाएं हैं जो जिनका जो प्रेम, जो भगवान उनको ये भुलवा देते हैं कि मैं भगवान हूं, ये भगवान की विशेष कृपा से होता है, वो उनको भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। तो इसीलिए वो प्रेम का अथाह समुद्र वृंदावन में आप्लावित होता रहता है, हर समय उसमें भक्त डूबते रहते हैं।
यही है वृंदावन की लीला है। तो इसलिए ये लीला का फाउंडेशन है। यशोदा माँ यही सोच रही है कि कृष्ण जो है कि मेरा कृष्ण भगवान चोरी करते हैं, भाई आप ही रखो अपना भगवान अपने पास, अरे तो चोरी कर लेते हैं इनकी, इनका मतलब इसके इनके पास खुद कुछ सी चीज की कमी है तभी तो चोरी कर रहे हैं ना। तो हमको नहीं चाहिए ऐसे भगवान। तो ये ऐसा एक साधारण दृष्टि से ऐसा लग सकता है, लेकिन भगवान जो चोरी करते हैं तो भगवान भक्तों का हृदय चोरी कर देते हैं, भगवान भक्तों का मन चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान है ये, तो चोरी करने के पीछे उद्देश्य है उनका। वो माखन चोरी करने के बहाने पूरा का पूरा उनका चित्त हर लेते हैं गोपियों का। जो गोपी जो यशोदा माँ के उम्र की गोपियां होती थी, जो माताएं थी गोपी, वो हमेशा जो है यही सोच के बनाती थी कि कृष्णा आएंगे, समझ रहा। वो एक्चुअली बनाती कृष्णा के लिए ही थी, लेकिन वो भी सोचती थी कि ऐसा छिपाएंगे, देखते हैं कैसे चोरी करता है। ऐसे ये कभी कभी लोग जो है मूवी बनाता है चोरी पे कि कोई चोरी कैसे जबरदस्त चोरी करके दिखाए। तो ये सब ऑलरेडी वृंदावन में हो रहा है, हर दिन न चलता है, हर दिन एक नई मूवी बनती है कृष्णा कैसे आज माखन चोरी करेंगे, और एक से एक जबरदस्त स्टोरी है। कुछ कुछ उदाहरण हमको भागवतम में, श्रीमद भागवतम के 10वां स्कंद, आप लोग खासकर एक बुक है श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो वो उसको समरी स्टडी है वो 10वें स्कंद भागवतम का। तो आप लोग ये आपका एक नियम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दीप दान करेंगे और दामोदराष्टकम रोज गाएंगे, तो तीसरा आपका हो सकता है कि आप हर दिन कृष्ण बुक का एक अध्याय पढ़ो। तो उसमें भगवान कृष्ण जो मैं बता रहा हूँ आपको लीलाएं, वो हर लीलाएं 90 अध्यायों में बटी हुई है, जन्म से लेकर भगवान के गोकुल लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला, सारी लीलाएं। तो एक एक 30 दिन है तो 3 दिन पढ़ लोगे तो खत्म हो जाएगा, एक एक दो दो पेज की है कुछ कुछ, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, पर जो भी है आप अगर एक लीला भी करते हो तो 3 साल में कम से कम 90 लीलाएं हो जाएंगी। तो बहुत सुंदर बुक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को सबको सुना सकते हैं। तो भगवान जो है वो हर दिन वहां पर एक नई लीला, नई तरह की चोरी होती है। कभी कभी जो ऐसे ऐसे अंधेरे अंधेरे में रख देते हैं कि वहां तक पहुंचना मतलब पता ही नहीं कहां पर है। तो इनके शरीर में इतना जो मोती होती सब ज्वेलरी पहने रहते हैं ना, उन्हीं से सब देख लेते हैं लाइट वाइट, उनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर तो पहुंच नहीं पाते तो उखल उखल रख के इधर उधर करके पहुंच जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता भी था कि कुछ हाथ नहीं लगता था उस दिन चोरी में, तो उनको फिर क्या होता था, फिर गुस्सा गुस्सा हो के, ये तो उस घर में कोई बच्चे बच्चे होते थे उनको 2-4 पिटाई करके आते थे, बोला ये इसकी जो माँ है ना अब सुधरेगी, रखेगी कल से, क्यों नहीं रखा ढंग से, हाँ हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं किया, तेरा बच्चा तो संभाल फिर। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर ताकि अगली बार व्यवस्था हो जाए। तो हर दिन एक नई चोरी की कहानी जाती थी यशोदा माँ के पास। हाँ, वो बोलती थी ऐसा कैसे हो, इनको डाइजेस्ट नहीं होता था, अरे किस माँ को ये डाइजेस्ट होगा कि उसका बेटा चोरी करता है। हर माँ को उसका बेटा तो राजकुमार है भाई, हाँ कैसे चोरी कर सकता है मेरा राजकुमार। तो ये हजम नहीं होता था उनको, और वो भी ऐसे माँ को हजम कैसे होगा जिसकी 9 लाख गाय है, दूर उधर किसी मक्खन की कमी नहीं है, हर समय घर पर हाँ रेडीमेड सब पूरा व्यवस्था है, पैक करके ले जाओ जैसे ले जाना हो, जोमेटो टोमेटो सब लेके जाएगा, कमी नहीं है भगवान के घर पे इन सब चीजों की। और उस माँ के सामने कोई आके माँ बोलती है अरे तुम्हारा देखो ये सौदा क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है हमारे घर में, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता था। बट अब बार 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 कोई करता रहे तो यही लगने लगा शायद शायद सत्य हो।
तो इसलिए बोला आज ऐसा विशेष माखन बनाऊंगे कि आज के बाद ये मेरा माखन ही चखेगा और कहीं इधर उधर को चखना बंद कर देगा। हायर टेस्ट, ठीक है। तो हायर टेस्ट आ जाता है तो लोअर टेस्ट चला जाता है। जब आप कृष्ण प्रसाद खाने लग जाते हो ना तो कूड़ा करकट खाना बंद कर देते हो। कृष्ण प्रसाद के इसलिए कृष्ण प्रसाद लेना बहुत जरूरी है। पता नहीं चलता, नहीं तो कुछ हायर भी होता है क्या? नहीं तो हमें लगता है कि जो हम खा रहे हैं बहुत अच्छा है, सबसे स्वादिष्ट है। तो इसीलिए उन्होंने हायर टेस्टी जो है बढ़िया माखन बनाने का तैयारी कर लिया। बेटा सो रहा है, माँ सोची चलो मैं जाके बनाती हूँ। और जो है एक तरफ चूल्हे में उन्होंने ऐसा तो ना इस गैस वैस का व्यवस्था नहीं था शुद्ध, कि गैस का खाना और चूल्हे के खाना में अंतर किसको किसको पता है? कुछ लोगों ने जीवन भर गैस में ही खाया है तो अंतर कैसे बने? तो वो धरती आसमान का अंतर है, ठीक है, गैस की रोटी और चूल्हे की रोटी। तो ऐसा लगता है जैसे भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जैसा नजर आता है, वो रोटी उस रोटी का प्रतिबिंब है। तो ये तो यशोदा माँ वो सुंदर जो है व्यवस्था, वो एक तरफ चूल्हे में दूध रख दिया है तो जो दूध से आइटम बनेगा रबड़ी और करके जो है मिल्क प्रोडक्ट तो कई तरह से बनाया जा सकता है। सी प्रभुपाद बोला करते हैं कि देखो भारत की असली धन यही है, भारत का असली धन है गाय, हाँ जो जमीन भू, क्योंकि गाय पर निर्भर है खेती। और जिस पहले राजा किसको जमींदार बोला जाता था, बड़ा आदमी किसको बोला जाता था पहले, जिसके पास ज्यादा जमीन हो और ज्यादा गाय हो। हाँ आप बोलोगे कि नहीं पहले के लोग ये सब नहीं ज्यादा संपत्ति, क्योंकि ये संपत्ति असली संपत्ति है। और आजकल सब उल्टा हो गया है। तो इसलिए जो है चूल्हे में दूध रखा, दूध के आइटम, और इधर मक्खन निकालने के लिए मथ रही है, चर्निंग द बटर। हाँ और यशोदामा जब मथ रही है तो बहुत, क्योंकि यशोदामा द्वापर में है तो बहुत हाइट है, सब कुछ बड़ा पूरा बढ़िया से चर्निंग कर रही है। चर्निंग कर रही है तो चर्निंग रॉड से जो आ रहा है ध्वनि, वो आ रहा है जैसे मृदंग बजाया जा रहा हो। मृदंग प्लेयर देखो सब वहीं से आया ना मृदंग। तो वो मृदंग बज रहा है और जो जो यशोदा माँ के जो शरीर के जो जैसे इयर रिंग्स हैं वो सब हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे करताल बज रहा है। हाथों का जो जो अपना कंगन है, जो चूड़ी है, उससे सब पूरा करताल का ट्यून आ रहा है। तो पूरा चर्निंग और खुद क्या कर रही है बोले, अब कीर्तन करने वाला भी तो चाहिए ना, तो यशोदा माँ खुद कीर्तन कर रही है। तो उनके लिए सेवा करना, ब्रज में सेवा करना मतलब समाधि है, मेडिटेशन। पूरा सुंदर सुंदर भगवान का भजन गा रही है। ब्रज में जो भी गा रहे हैं भजन ही होता है। हम लोग तो अटेम्प्ट करते हैं कि बीच बीच में कुछ भजन हो जाए, लेकिन वहां पर जो भी कहते हैं वृंदावन मतलब जो निकल रहा है वो गाना ही है। वृंदावन में चलना मतलब डांसिंग है। हाँ हर चीज वहां पर दिव्य है। तो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं उनको लेकर वो गाती रहती है हमेशा। गोविंद दामोदर माधवेती, तो बड़ा सुंदर उसमें आता है वर्णन कैसे सुदामा गाती है, भजन है कृष्ण करनामृत में। तो बिलमंगल ठाकुर लिखे हैं इसको, गोविंद दामोदर माधवेती। तो माँ गाती कैसी है, कैसे ब्रज की भक्त हर समय अपना सेवा करते हुए कुछ न कुछ गाते रहते हैं। तो इस तरह से जो है कृष्णा उठे। हाँ जब उन्होंने जब उठे तो उनसे देखा
एक बच्चा जब छोटा बच्चा उठता है तो एक्सपेक्ट क्या करता है, क्या वो उसकी आशा रहती है, माँ साथ में होनी चाहिए। और आज कैसे हिम्मत कर दी माँ ने, आज ये पास में क्यों नहीं है। तो पहला तो इसी में गुस्सा आ रहा था उनको, हाँ तो गुस्से का पहला कारण तो यही था, आज मेरे को अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। हाँ बच्चा बहुत अटेंशन मांगता है, तो वो किसी तरह से माँ को ढूंढ रहे हैं, आवाज तो आ ही रही है, पहुंच रही है उनके पास, कीर्तन का आवाज जा रहा है और मेरा ही कीर्तन गा रहा है, उनको पता है। तो किसी तरह से छोटा बच्चा है तो वो जो बेड होता है, बेड में जो होता है चार पैर होते हैं, हाँ तो बच्चा कहाँ से उतरता है, एक पैर का सहारा लेकर उतरता है। तो भगवान धीरे धीरे अपने आप को नीचे एडजस्ट कर रहे हैं उतरने के लिए, ठीक है। अभी 3 साल का बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इतना नहीं कि छलांग मार देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने को सेट किया, नीचे उतर आए और माँ की तरफ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चर्निंग हो रहा है। और जो है माँ वो जो है कहाँ गया उसको, कहाँ चर्निंग वाला नहीं दिख रहा है फोटो में, हाँ तो वो जो है माँ को जाके, इसमें थोड़ा ज्यादा सौम्य भाव दिखाया गया, ये भाव नहीं है, ऐसे जाके पीछे से नहीं पकड़े, कुछ और सीन है। तो वो गए तो माँ तो पूरा कीर्तन में मस्त है, बच्चा कब आया कुछ पता नहीं चला, जाके सीधा हाथ से रॉड को पकड़ लिए, रॉड बहुत बड़ा रॉड था और उसको पकड़ के पूरा हाँ रोक दिए, थोड़ा दिखा रहे हैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो अब अचानक आप सेवा कर रहे हैं, अचानक रुक गया तो आंख खुलेगी, तो माँ खुले रही, तुम आ गए क्या। तो माँ को लगा, अरे एक माँ को बड़ा अच्छा लगता है जब उसका बेटा बड़े जैसा हरकत करता है, तो उसको लगता है बड़ा हो गया है तो रोक दिया अपने हाथ से, बड़ा हो रहा है मेरा लाला लग रहा है। तो इस तरह से और ये आचार्य लोग बोलते हैं कि ये रोकना भी, रोकना क्या है, ये रोकते हैं क्योंकि तुम भगवान जो कहते हैं ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो वेदों को चर्निंग करते हैं, वेद का चर्निंग, वेदों को पढ़ते हैं खूब, पठन पाठन में खूब लगाते हैं, और ये सब करने का सार क्या है। जैसे नवनीत है ना, बटर, बटर दूध को मथ रहे ना तो मक्खन निकलता है, और वैसे ही आप वेदों शास्त्रों को मथते हो तो क्या निकलना चाहिए, तो ये कृष्ण आना चाहिए ना। आप वेदों को मत कर क्या पाओगे, कृष्ण। तो इसीलिए तो भगवान आके रोक दिए, बोले तुम्हारे सामने सार खड़ा है वेदों का, हाँ और तुम कहां ध्यान में हो। तो उनसे बोलते हैं वेदैस सर्वैर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना है, ये सार है वेदों का, वेद मथने का सार है कृष्ण को जानना, भगवान गीता में बोलते हैं। आप वेद पढ़ लिए हैं और कृष्ण को नहीं जाना है तो आपका आपका वेद पढ़ना सार्थक नहीं हुआ। तो इसलिए भी भगवान रोक लिए माँ का चरनिंग, रोक किया, बस रोको, ये क्या कर रही हो, मैं आ गया हूं तो फिर ये चरनिंग क्यों कर रही हो, सार है आपके सामने। इसलिए प्रभुपाद जाकर पूरी दुनिया को सार दे दिए हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। प्रभुपाद इस्कॉन का नामकरण कर रहे थे तो पहले कुछ भक्त ये भी सजेस्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। मतलब गॉड और तो बहुत लोग, गॉड बोलने से क्या पता थोड़ी चल रहा है कि सार क्या है, लेकिन सार क्या है, कृष्ण सार है। जैसे प्रभुपाद बोले ये सही नाम नहीं है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए जो होगा। तो
तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ 1966 में स्थापन हुआ। तो ये प्रभुपाद जी सोचिए इतना बड़ा उद्देश्य क्यों लेकर, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। लोगों से पूछो हु इज गॉड, तो बोलते हैं आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते गॉड को, दे कांट एक्सप्लेन। तो प्रभुपाद बोलते तुम अगर समझा नहीं पा रहे हो कौन भगवान है, तो इसका मतलब बोल दो सीधे सीधे तुम जानते नहीं हो। प्रभुपाद फिर एक छोटी सी बच्ची को बोले तुम बताओ हु इज गॉड, तो बच्ची बोली कृष्ण इज गॉड। बोल देखो ये छोटी बच्ची को पता है, और तुम बड़े बड़े फिलोसफर हो तुमको नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है, तो तुम्हारा इस सो कॉल्ड फिलोसफी का क्या मतलब हुआ, व्यर्थ हो गया पढ़ाई करना। तो इसीलिए कलयुग में समय बहुत कम है, तो इसलिए ज्यादा अध्ययन करने के चक्कर में हम जो एसेंस है वही मिस कर देते हैं। इसे समय को बचा के एसेंस को लेना चाहिए और जल्दी से अपने आप को भक्ति में नियोजित कर लेना चाहिए। इसीलिए कलयुग में भगवत गीता को सार बोला जाता है, गीतोपनिषद। गीता सार है सारे वेदों का। अगर आपको गीता का अध्ययन है मतलब आपको वैदिक कंक्लूजन सारे पता चल गए हैं, आपको और कुछ इधर उधर ढोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से माँ ने अपना कीर्तन रोका, बच्चे को भूख लग रहा है, बोला बेटा बोला भूख लगा। हाँ तो इस तरह से फाइनली माँ दूध पिलाने लग जाती है चर्निंग रोक कर, और उधर उधर चूल्हे में क्या जल रहा है, दूध को उबाला जा रहा है, बॉयल किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है तुम्हारा चल रहा है, ये तुम्हारा हर चीज फेल हो रहा है इसलिए। तो इस तरह से दूध जो है वो उबल रहा है, माता यशोदा और बच्चे को दूध पिला रही हैं, कृष्णा आनंद में दूध पी रहे हैं, और इस तरह से जो दूध है वो अध्यात्म यही सोच रहा है कि ये मेरा क्या काम है, अब मेरा क्या काम, अब तो मैं मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अब माँ का जो प्रेम है वो दूध के रूप में प्रकट होता है बच्चे के लिए, और कृष्ण और यशोदा माँ का जो प्रेम है वो कितना है, ओशन ऑफ लव। और कृष्णा का माँ यशोदा के लिए जो प्रेम है वो भी वही सही है। तो कृष्णा का ना कभी दूध पीना बंद होगा, ना यशोदा माँ का दूध पिलाना बंद होगा। तो ये तो भैया रुकने वाला नहीं है, तो मेरा जीने का क्या फायदा। जैसे मान लीजिए आपको कोई सेवा नहीं है भगवान के लिए, तो क्या मतलब है, आपसे कोई आपकी सेवा छीन ले कृष्णा की, तो क्या जीने का उद्देश्य रहेगा फिर। सेवा भगवान के चरणों पर होना चाहिए हम सबका। हनुमान से कोई अगर प्रभु राम की सेवा ले ले तो हनुमान तो जीना व्यर्थ हो जाएगा ना। सेवा से ही तो हम जी रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में जीव जो है स्वतंत्र अवस्था में भगवान की सेवा में तो लगा है, और अगर सेवा नहीं है तो क्या है। तो वो दूध यही सोच रहा है। आप बोलेंगे अरे ये दूध भी सोचता है क्या, तो यही एक्चुअली इस जगत में और उस जगत में अंतर है। कभी कभी आप लोग भी कभी कभी नहीं हो आप लोग बोल देते होंगे अरे सामने क्यों आ गया तू, ऐसे कुछ कुछ। कभी हम ऑब्जेक्ट को पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं। कभी कभी हम ट्रीट करने लग जाते हैं, तो ये सच्चाई है उस जगत की। वहां पर देखिए पर्सन है ना, पर्सन ही तो है ये मोबाइल, तो हमारा पर्सन है, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए फिर नहीं बजेगा। तो हम इस तो आध्यात्मिक जगत में जो वस्तुएं हैं वो चिन्मय होती हैं, सच उनको भी एहसास है सब। जैसे आपको पता होगा कल्प वृक्ष बोलते हैं ना, कल्प वृक्ष डिजायर ट्री। तो आज सीधे दामोदर अष्टकम करेंगे, ठीक है, आज आरती नहीं, सीधे दामोदर अष्टकम। तो ये जो भगवान का धाम है वहां पर हर चीज चिन्मय है,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हर चीज अनुभव करती है। आप अगर ब्रज में आज भी जाएंगे ना, तो ब्रज में जो पेड़ है ना, वो पेड़ वो पूरा झुके झुके से रहते हैं। आप एक जगह है तेर कदम जाएंगे तो ऐसा लग रहा है भगवान के, वहां पर ऐसा होता था, एक हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी, वो ग्रंथ लिखते थे, तो जब लिखते थे भगवान के विरह की लीला, तो पेड़ पूरा जो है सारा पतझड़ हो जाता था, और जो भगवान की मिलन की लीला लिखते थे, पेड़ फूलों से भर जाते थे। तो भगवान का जो धाम है सब चीजें चिन्मय है। दूध भी सोच रहा है कि अब मैं तो जीवन व्यर्थ है, तो वो बोल, अब दूध क्या कर रहा है, बोलता है मैं उबल ही जाता हूं। ऐसे नहीं उबलेगा वो, लेकिन आज कह रहा है मैं उबल के अपना जीवन आग में स्वाहा कर देता हूं। ये है किसका भाव, उस दूध का जो चढ़ा हुआ है, बोला मेरा तो बेकार है। लेकिन जो यशोदा माँ है उनका ध्यान चला गया कि दूध अपना जीवन देने के लिए तैयार है। तो एक भक्त जो होता है ना, वो दूसरे भक्त को सेवा अगर नहीं है तो वो देख नहीं सकता, उसको लगता है दूसरे भक्त की भी सेवा होनी चाहिए। दिया ही दिखाएंगे, ठीक है, बाकी कुछ तो जो है वो एक भक्त दूसरे भक्त की सेवा को जाने नहीं देता है, वो उसको इंगेज करना चाहता, वो चाहता है दूसरा भक्त को मैं सेवा में लगाऊं। जिससे उन्होंने कृष्ण को साइड किया और दूध को अटेंड करने चली गई। ओ कृष्ण को हलाटा दिया, तो कृष्ण तो पूरा बोला मेरे को, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध हो गया है। तो उन्होंने फिर अपना, मैं अब ऐसा कुछ करूंगा कि माँ ये सब हरकत आगे नहीं करेगी। तो उन्होंने भी आज माँ को सबक सिखाने की ठान ली है, बोला पहले तो मैं दूसरी जगह जाता था, आज घर पे मैं सबक सिखाऊंगा। तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया पूरा। उन्होंने ये सोचा आज तो उन्होंने एक पत्थर था और उससे पूरा, उससे बहुत बड़ा वो था, छोटा मोटा नहीं था, तोड़ के एक छोटा बच्चा उसको तोड़ ही नहीं सकता है। ये भगवान फिर होता है ना, जब चाह ले तो फिर हो ही गया, टूट गया पूरा, बिखर गया। और बगल वाले कमरे में जाके वहां पर जो हिडन, हाँ जो ये तो हुआ जो ताजा बनाया जा रहा था, पहले वाला रखा हुआ, बोला इसको भी आज नहीं छोड़ेंगे। उनके मन में ये भावना था कि आज इतना माखन खाऊंगा, इतना माखन कि मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, माँ बाद में मुझे मथुरा ले जाए, उसका पैसा खर्च हो, और पूरा पूरा ऐसा सोच रहे हैं वो। उनके मन में ही भावना है, मतलब इतना दूर तक सोचते परेशान करने के लिए। आपका छोटा बच्चा क्या सोचेगा, कृष्णा जब छोटे बनेंगे ना तो ऐसा सोचेंगे, सोचो। तो बोला आज सिखाऊंगा कि मेरे को अब मेरा ना ध्यान ना देने का क्या नतीजा है। तो भाग गए जल्दी जल्दी भाग के, क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना, समय कम है, समय कम है, तो हर काम को अंजाम जल्दी जल्दी देना है। तो फटाफट, तो वो जो आप छोटा बच्चा है मार दिया तो सब तो गिर गया, तो पैर में सब पूरा सन भी गए। और उधर माँ चली गई, माँ वापस आई, देखा तो है नहीं, और ये पूरा पैर से स्टेप तो अपना, चोर कितना भी सातिर क्यों ना हो, सुराग थोड़ा बहुत नहीं देता है ना, तो यही हुआ है। और कृष्णा खुद तो खा ही रहे हैं और अपने वानर मित्रों को भी बुला लिए, पूरा खा रहे हैं, लुटा रहे हैं। खुद खाएंगे तो कितना खाएंगे, लुटाने को तो बहुत लुटा सकते हैं। तो इस तरह से हरकतों को मतलब उन्होंने कई टाइम बढ़ा दिया है। और एक बड़ा इसमें सुंदर एक बड़ा बात बोला जाता है, कहते हैं जो जिसके घर में चोरी होती है, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है, कहते हैं कि जैसे चोरी होती है तो चोर की आंखें ज्यादा होती है, हाँ, और जो चोरी कर जो पकड़ने वाले की इतनी आंखें नहीं, चोर की आंखें बहुत होती हैं। तो इसलिए बहुत अलर्ट है कृष्ण कि पकड़े ना जाए, पूरा खा भी रहे देख भी रहे, पूरा नजर है, आएंगे तो तुरंत पलायन करना है,
तो ऐसा नहीं कि बस छोटा बच्चा कुछ होश नहीं है, होश है, पूरा अलर्ट है वो, खा भी रहे हैं, लुटा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इस भावना से कार्यक्रम चल रहा था और फाइनली जो है जो माता यशोदा उस कमरे में धीरे थी। माता यशोदा भी कम है क्या? ऐसे बच्चे को जन्म दिया है तो माँ कैसे कम हो सकती है? तो माँ धीरे धीरे कदम रख रही है, कदमों की आहट सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ, और धीरे धीरे करके फिंगर प्रिंट्स का जो फॉलो कर रही है माँ, पूरा पहुंच गई कमरे में और जहां पर और जो कृष्ण और उनका पूरा लीला चल रहा है। और ये जो है बताते हैं कि जो है इनके जो कुछ मित्रगण थे, जो बानर वानर कौवे हुए भी थे, सब थे, तो सब इनकी नजर पहली पड़ के भागना शुरू कर दिए और कृष्ण भी भागना चालू कर दिए हैं। तो उतर के फटाफट पूरा माँ भी कम है, भाग रही है वो भी। हाँ, तो बच्चा अब आपके पास देखिए भागना भी है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ भागना है। हाँ, आप मान लो भाग के वहीं कमरे के अंदर ही कहीं भाग जाओ, किसी कमरे में चले जाओ तो भाग नहीं पाओगे ना, तो कहाँ भागोगे आप, खुले स्थान में ना। तो इसलिए कृष्णा भाग रहे हैं तो गेट की तरफ भाग रहे हैं। और भी इनके मन में था अगर गेट की तरफ भागूंगा तो बाहर के लोग देखेंगे, तो बाहर के लोग के सामने हो सकता है पिटाई धुलाई ना हो, तो इसलिए कृष्णा को पता है बाहर भागना ही सेफ है। इसलिए भागते भाग तो गेट की तरफ भाग रहे हैं जहां पर अर्जुन के दो वृक्ष हैं और भाग रहे हैं भगवान, और यशोदा माँ भी जो है वो भाग रही है। तो जिस तरह से यशोदा माँ, अगर आप सबको भगवान से मात्र भाव में जुड़ना है, वात्सल्य भाव में जुड़ना है, अगर आप भगवान के जो है के साथ माता का भाव रखना चाहते हो, पिता का भाव रखना चाहते हो, या माँ का, अभी तो हम माँ का भाव में है, तो माँ का भाव रखना चाहते हो तो आपको किसके नक्शे कदम में चढ़ना पड़ेगा? यशोदा माँ के नक्शे कदम में। नहीं कि आप सेल्फ प्रक्लेम्ड यशोदा माँ खुद बन जाओगी, ऐसा नहीं होता है। हम अगर घर पे कोई जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं आप अगर कोई, तो आपको यशोदा माँ के नक्शे कदम में चलना पड़ेगा। आप खुद से अपना नहीं मैन्युफैक्चर कर लेंगे, मैं अपने तरीके से करूंगी, मैं अपने तरीके से अपने लड्डू को खिलाऊंगी, ये सब तरीका नहीं चलने वाला है। कृष्णा पे अधिकार किसका है? यशोदा माँ का। आपका क्या अधिकार है? भी आपका अधिकार है यशोदा माँ की सेवा करके उनका कृष्णा को फीड करना। ये गलत भावना होती है कि हम खुद माँ बन जाएं कृष्णा की। कृष्णा की माँ बनना है तो आपको कृष्णा की जो माँ है यशोदा माँ, उनके अनुगत में रहना पड़ेगा। इसीलिए इसी को बोला जाता है रागानुगा भक्त। तो यशोदा माँ कृष्णा की जो है वो इटर्नली मदर है, शाश्वत रूप से उनकी माँ है। बार बार सुने तो हमारे हृदय में ये जो भावना है ये आ जाए, नहीं तो ये कहीं आकाश से ऐसे नहीं आ जाएगी। आपको इन विषयों को सुनना पड़ेगा बार बार, जितना सुनेंगे तो वैसा बनने का आपका भावना आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसीलिए ये बहुत दिव्य ग्रंथ है, इन ग्रंथों का आश्रय हमें लेना पड़ेगा। कैसे यशोदा माँ कृष्ण की सेवा कर रही है, कैसे उनका खुद का परिधान क्या है? जैसे यहाँ पर माता यशोदा वो जो है वो दौड़ रही है पकड़ने के लिए, तो किस भाव से यशोदा मैया दौड़ रही है? उनके वैसे बताते हैं आचार्य गण कि जो उनके सिर पे जो, क्योंकि जब वो भाग रही है तो उनके जो सिर पे फूल है ये सब है गिर रहे हैं। फूल भी सोच रहा है मैं यशोदा मैया की सेवा कैसे करूं, वो भी सोचता है कि अरे मैं भार बनूंगा तो यशोदा माँ को ना थोड़ा भागने में थोड़ा सा असुविधा होगी, तो बोलते हैं हम गिर जाते हैं। सच
तो फूल के वो गिर जाते हैं सुधा माँ के सिर से कि अभी हमारी जरूरत नहीं है, आपको भी पकड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चोर को पकड़ना पुलिस का पहला ड्यूटी है। तो ये इस करके वो फूल भी सोच रहे हैं कैसे मैं सेवा करूं। दिस इज वृंदावन, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां कोई भी चीज हर चीज चिन्मय है, ठीक है, सेवा के भाव से है। आपको अगर भगवान के धाम में कृष्ण की सेवा के लिए अगर आप किसी पेड़ के पास जाते हो और आप इच्छा करते हो कि मुझे ना 5 प्रकार के फल चाहिए और आप अमरूद के पेड़ के नीचे हो तो वो अमरूद का पेड़ आपको क्या दे देगा, वो 5 प्रकार के फल दे देगा और गुठली भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब हर चीज बहुत टॉप क्लास है। यही भगवान का धाम है, भगवान की सेवा के लिए वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए भारत जो जगत है, भारत वर्ष जो है, वहां पर पहले भगवान को केंद्र करने के लिए केंद्र में रख के समाज जीता था, तो इसलिए पहले कोई चीज की कमी नहीं होती थी, मतलब दूध की नदियां बहती थी। हाँ, अभी तो पानी का भी नहीं बह रहा है, पानी भी नहीं है आजकल, ऐसी हालत हो गई है। तो ये समाज रहने लायक नहीं हो जाएगा जब आप समाज से भगवान को हटा दोगे। जो सही ऑब्जेक्ट है सेवा का, जब आप उसको समाज से हटा देते हो तो हमारा तो बदतर हालत हो जाएगा। ये संसार कृष्ण का है, ये घर संसार सब कृष्ण का है, आप कृष्ण के हो, तो ये जब मूड नहीं डेवलप करोगे देन आपका सुख का सुख कभी नहीं रहेगा। इस प्रकृति भी आपको फिर कुछ देगी नहीं। हाँ, हर प्रकृति हर चीज को छिपाने लगेगी जब आप अपने आप को केंद्र बिंदु बना दोगे तो। इसलिए आजकल बहुत चीजों का कमी हो रहा है। तो इस तरह से माँ यशोदा, तो कभी कभी तो ऐसा हो रहा था बस पकड़ने वाली थी, पकड़ने वाली बस निकल गया, फिर बाद में बहुत करके के यशोदा माँ ने दबोच लिया, पकड़ लिया उसको। और जब पकड़ लिया तो अब इनका असली नाटक शुरू होगा, कौन सा, आप रोने का। अब सोचो कृष्णा रोएंगे तो क्या रोएंगे। हाँ, तो आंसू भयानक आंसू रुदंतम, हाँ पूरा रोने लग गए। हाँ, और जो है उनको यही आशा से रो रहे थे कि हर बार रोते थे तो क्या होता था, माँ आके आंसू पोंछती थी, आज आज माँ आंसू आंसू नहीं पोंछ रही है, रो तो जितना रोना है आज। तो आज तो और आश्चर्यचकित हो गए कि आज क्या हो रहा है, ये आंसू क्यों नहीं पोंछा जा रहा है। हाँ, तो उनको समझ में आ गया आज बहुत सीरियस मिस्टेक कर दी लग रहा है, आज कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गया है, हमने तो रियलाइज नहीं किया था आज कुछ ज्यादा हो गया लग रहा है। तो और आंखें आंखें मल रहे हैं, बच्चा होता है ना जब करता है तो ऐसे ऐसे पूरा आंखों का काजल, आजकल माताएं काजल वाजल लगाती है कि नहीं। तो काजल वाजल पूरा सब उनका आंखों के अश्रु से धुल रहा है। पहले बच्चों की आंखें नहीं दिखती थी, काजल नहीं दिखता था। तो ये जो है बोला आज तू पकड़ा है दुष्ट, हाँ ग्रीडी बॉय, और बोलते उसको बोलते हैं मंकी लवर, हाँ वानर को खिलाएगा, हाँ हाउस प्लंडरर लुटेरे। तो बहुत ऐसे करके माँ ने खूब बुलाया और बहुत गुस्से में थी पूरा। और इस तरह से माँ चेस्टाइज कर रही है, माँ उनको उलाहना दे रही है खूब, दुष्ट इतना नाटक तेरा देख रहा हूं। तो फिर तो ये जो बोल रही है सोदा माँ, ये सुनने के लिए कृष्णा, हाँ ये बोलते हैं शास्त्रों में, ये सुनना कृष्ण को इस संसार में बड़े बड़े जो योगीजन है, बड़े बड़े जो लोग हैं देवता लोग, वो भी अगर जो प्रार्थनाएं करते हैं वेदों में स्तुतियां करते हैं, वो भी उनको पसंद नहीं है भगवान को, उनके सामने ये सब जो ये यशोदा माँ कर रही है वो कुछ नहीं है स्तुतियां, जो भगवान उनको यशोदा माँ अगर आज डांट रही है, ये सुनना उनके लिए इतना आनंद लग रहा है, ये सुनने के लिए इतना लीला है। हाँ, और जब छड़ी भी ले ली थी बीच में रास्ते से, छड़ी भी उठाया था पिटाई करने के लिए छड़ी,
हाँ आप देख रहे हैं हाथ में छड़ी है, ऐसे उठा के रखा हुआ है। तो जब देखा कि बेटा कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, बहुत डर गया है, हाँ तो उनको लगा ज्यादा डरा दिया क्या, माँ भी थोड़ा इतना ही डांटो उपचार करो जिससे लगता है कि वो जो है उनका मतलब शुद्धिकरण हो जाए, सुधार हो जाए, यानी कि बर्बाद बच्चा भाग जाए घर छोड़ के। तो माँ को डर लग गया कहीं ऐसा इतना पिटाई ना कर, ज्यादा डर गया है। तो सोची अब क्या करूं, तो छड़ी तो फेंक दिया पहले, फिर उनके मन में आया कि मैं दंडित करूं तो कैसे करूं, अगर इसको छोड़ दिया तो भाग गया कहीं, मान लो कहीं आज गुस्से में, तो फिर तो माँ कैसे रह पाएगी बिना बालक के। तो बड़ा इससे अच्छा इसको बांध देती हूं, तो भागेगा भी नहीं कहां, और हाँ सांप भी मरा और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे सोच के जो है माँ ने ये नर्सलिया इसको बांध देते हैं। तो इस तरह से ये जो बांधने का सिलसिला चालू हुआ। छोटा सा बच्चा है, बांधूंगी क्या है, छोटी सी रस्सी जरूरत है। लेकिन ये वो भगवान है जो जिनके ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर में रहते हैं। ये जो भौतिक संसार है भगवान के अंदर ही तो है, भगवान और भगवान उसके अंदर चले जाते हैं। सोचो ये संसार भगवान के अंदर है और भगवान उस संसार के अंदर चले जाते हैं अपने एक्सपेंशन के रूप में। भगवान से इतना नहीं करते, हर अणु परमाणु के अंदर चले जाते हैं, भगवान आपके अंदर भी हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये भगवान की असीम लीला है, अनंत है। तो इस तरह से माँ यशोदा अपने अथक प्रयास से बांध नहीं पाई और हर बार वो जो रस्सी है वो दो अंगुल जो है छोटी हो जा रही है, टू फिंगर शॉर्ट हो जा रही है। यशोदा माँ सुबह से बचाओ कहाँ क्या करने गई थी, आज अच्छा सा मक्खन हाई क्लास बनाएंगे, और आज क्या हो गया, यहाँ तो पूरा सुबह से लेकर आज मंथन हो रहा है, तो पूरा प्रयासरत है, और भी आसपास की स्त्रियां भी देख रही हैं। वह आप सोचो आपका छोटा सा बालक, हाँ और आप उसकी माँ, उसको सुधार नहीं पाती हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो और ये उसको छोटा सा बालक को आप बांध नहीं पा रही हैं, तो माँ यशोदा ने भी ठान लिया आज मैं बांध के रहूंगी तुझे, ईगो पे आ गया। हाँ तो माँ यशोदा पूरा प्रयास कर रही बांधने का और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं ना बांधने का। भगवान की शक्ति जो उनकी जो कहते हैं अघटन को घटन कर देती है। जब उनके प्रभु को बांधने की बात आई तो भगवान की अचिंत शक्ति कार्यरत हो गई ताकि मेरे प्रभु ना बंधे आज, तो इसीलिए वो हो गया। लेकिन जब बहुत प्रयास किया माने कुछ नहीं हुआ, तो उनका प्रयास देख के उनका पसीने पसीने शरीर हो गया, चेहरे पूरा, तो माँ थकी हुई सी लग रही थी। तो कृष्णा अब सोचे अरे माँ बहुत थक गई है, तो कृष्णा अब जो है माँ की रस्सी से बंध गए। तो इस तरह से ये जो लीला हुई है कि कृष्णा बंध गए हैं अपनी माँ के हाथ से, हाँ वो कृष्णा जो हाँ बांधे नहीं जा सकते हैं, दुनिया की कौन सी रस्सी उनको बांध सकती है। तो भगवान इसीलिए यशोदा नाम का मतलब होता है जो अपने पुत्र का यश का वर्धन करे, उसको बोलते हैं यशोदा। तो ऐसी माँ आज अपने उस पुत्र का यश का वर्धन कर रही है, जहां पर जो पुत्र है वो उसका यश आज बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है यश, कि भगवान इस सुंदर लीला के माध्यम से आगे आने वाली हम सब झारखंड रांची वासी जो हैं सबको दिखाना चाह रहे हैं भगवान पूरे दुनिया में कि मैं अपने भक्त के प्रेम से बंध जाता हूं। उनका प्रेम जो है वो हम सबको बांध देता है। तो भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंधते हैं। इस संसार में कोई भी चीज हमें बांध नहीं सकती है, भगवान को मतलब बांध नहीं सकती है। तो ये जो दामोदर लीला है ये हम सब कोई प्रेरणा का लीला है,
कि कहा कि अगर आप ये लीला सुन रहे हैं कि यशोदा माँ ने कृष्ण को बांध दिया है अपने भक्ति के बंधन से, तो अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि मैं भी भगवान को कैसे बांधू, मैं भी भगवान से ऐसे इस प्रेम के बंधन से कैसे बंधू, हाँ, तो भगवान ही हम सबको दिखाना चाह रहे हैं इस लीला के माध्यम से। नहीं तो दुर्योधन वो बांधने चला था भगवान को, हाँ, वो भगवान को बांधने चला था, बांध पाया क्या भगवान? वो जो खड़े थे उसके सामने भगवान अपना शरीर का इतना वर्धन कर दिए, हाँ, पूरा विराट रूप दिखा दिया, तो बोला तू कौन सी रस्सी से बांध, बांध चल बांध दे मुझे। तो भगवान को ऐसे नहीं बांधा जाता है। तो इसीलिए भगवान वो है आज यशोदा माँ के बंधन से बंधे हैं। तो दिखाना चाह रहे हैं कि किस भक्त के हृदय में मेरे प्रति ऐसा प्रेम होगा, और यह वो भक्त जो मेरे इन प्रेमी भक्तों के अनुगमन करेगा वो उन भक्तों से मैं बांधा जाऊंगा। तो इसीलिए ये लीला इतनी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मतलब आचार्यगण बोलते हैं कि मैं आपको, क्योंकि ग्लोरी है कार्तिक मास की, बताते हैं इस कार्तिक मास में हम, ये पुराणों में कई जगह पर आता है, उसका मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है कि अगर कोई कार्तिक व्रत करता है और अच्छे से पालन करता है, फास्टिंग ऑब्जर्वेशन, जैसे हम जैसे अभी एकादशी भी आएगा, कार्तिक में बहुत कुछ कुछ आने वाला है, तो बताते हैं कि अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है तो लिखा हुआ है द यमदूतास द मैसेंजर्स ऑफ यमराज क्या करेंगे, रन अवे फ्रॉम हिम, वो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे अगर कोई कार्तिक मास का व्रत करा है। कैसे रन अवे करेगा, जस्ट एज एन एलिफेंट रन अवे बाय सीइंग अ लायन, शेर को देख के ऐसा हो जाएगा। तो ये भगवान को इतना प्रिय है, लिखा हुआ दैट दिस डियर व्रत ऑफ लॉर्ड विष्णु इज इवन बेटर देन परफॉर्मिंग 100 गेट सैक्रिफाइसेस that would take him to heaven because the person who observes the Kartik Vrat goes to spiritual world. तो आप बाकी व्रत यज्ञ करते हो तो आपको स्वर्ग मिलता है, पर जब आप भगवान का, जब आप कार्तिक व्रत करते हो तो आपको भगवान का वो दिव्य धाम मिलेगा जहां पर यशोदा माँ की लीलाएं चल रही हैं, जिसमें बहुत अंतर है दोनों के गंतव्य में। और देखिए जो भी हम लोग करने जा रहे हैं जो लैंप ऑफरिंग, तो व्हेन वन ऑफर्स अ लैंप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक हिज सिंस ऑफ मेनी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ बट पेरिस इन हाफ एन आई ब्लिंक। आप आंख ऐसे कर देते हैं समझ लीजिए उतना समय में, इतना इसका महत्व है। तो जब आप लैंप ऑफरिंग करोगे तो जैसे हम अभी बताएंगे आपको कैसे ऑफरिंग करना है, तो भगवान को, तो ये इसलिए आप हर दिन जो 30 दिन है कार्तिक में, आप हर दिन सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है शाम को आप भगवान को दीप दान उनको ऑफर करिए, उसके बाद तुलसी को दे सकते हैं भगवान को ऑफरिंग के बाद। लिखा हुआ है गलती से एक चूहे ने जो है भगवान को, मतलब वो खुद कर नहीं रहा था, गलती से हो गया उससे, हाँ, ऑफरिंग होता, और बता रहे हैं उसको ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है, तो उसको लिखा हुआ है बाय डूइंग सो सी अचीव्ड अ रेयरली अचीवेबल ह्यूमन फॉर्म एंड एट लास्ट अटेन्ड द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। जैसे बोलते हैं सतयुग इज द बेस्ट ऑफ युगास, इसके बारे में एक श्लोक आता है कि ना कार्तिका समोमाशो ना कृतेन समम युगम ना वेद सदृशम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। बोलते हैं नो मंथ इज लाइक कार्तिक, कार्तिक मंथ जैसा कोई मंथ नहीं है, जैसे नो युग इज लाइक सतयुगा, सतयुग से अच्छा कोई मंथ युग नहीं है, कोई स्क्रिप्चर वेदों से अच्छा नहीं है, कोई होली प्लेस गंगा जैसा नहीं है। तो वैसे कार्तिक का महत्व, मतलब बहुत जगहों पर इसका वर्णन आता है, और इसके बारे में जो है बोलते हैं ओ नारदा, ये एक स्कंद पुराण से है,
ओ नारदा, आई हैव पर्सनली सीन दैट अ पर्सन हु हैप्पीली रीड्स द भगवत गीता ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक डज नॉट रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर इस कार्तिक मंथ में आप भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं रोज, तो बोल रहे भगवान उसको इस संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में संसार के इस जन्म मृत्यु के संसार में आने की जरूरत तो करेंगे भगवत गीता का अध्ययन। भगवत गीता है किसके किसके पास है, तो खुल जानी चाहिए भगवत गीता, ठीक है। तो ये विशेष है, इसीलिए आप सब लोग आज यहाँ पर संडे के दिन आए हैं, तो आप सब लोग कुछ ना कुछ वाव व्रत लेकर जाइए और उसका पूरे एक महीना पालन करिए, फिर आप देखेंगे बहुत। क्योंकि आप जब डिटर्मिनेशन लेते हैं, संकल्प करेंगे, तो भगवान आपको शक्ति देंगे, ठीक है। तो आप सब लोग कुछ ना कुछ वाव ले लीजिए, तो एक अध्ययन कम से कम गीता का एक श्लोक पढ़ने का वाव ले लीजिए। जैसे मैंने बताया कृष्ण बुक जो है उसको एक अध्याय पढ़ने का भी वाव ले सकते हैं। और सबसे मुख्य वाव है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जो नहीं कर रहे हैं वो लोग अब शुरू कर दे करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। क्योंकि ये जो नाम है कलयुग का युग धर्म है, इसको सब लोग करिए। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट शून्य से अब अपना खाता खोल दे। और क्योंकि इसमें इस कार्तिक में मतलब इट कम्स इन मैनी फोल्ड बताते हैं। जैसे भगवान के घर में अभी बम्पर छूट चल रहा है, तो आपको एक माला का हजार गुना लाख गुना आपको फल मिलने वाला है। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज्यादा करिए ना, ठीक है। कम क्यों करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करिए, रिटर्न बहुत है। और कार्तिक जो है वो जो है यशोदा सॉरी राधा रानी के नाम से आता है, कार्तिका कार्तिका बोलते हैं उनको, तो उनका ही मंथ है ये कार्तिक। जैसे राधा रानी भगवान को बहुत प्रिय है, उनका ये मंथ जो है बहुत प्रिय है, तो उसकी वो अधिष्ठात्री देवी है। और इसीलिए आपको अगर इस मंथ में अच्छे से आपने पालन किया तो राधा रानी की कृपा से आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो भगवान की सेवा करने का बहुत ज्यादा आ जाएगी, संचारित हो जाएगी। तो इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए आप सब लोग। और इसी उससे मैं समापन करता हूँ आज का। तो आप सब